to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scar. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2023 मॉडल लेटेस्ट TVS अपाची RTR 164V का पर्ल व्हाइट कलर, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है TVS कंपनी से। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें आपको स्पेशल एडिशन में पर्ल व्हाइट कलर का अब ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि आपको 2V में आपको व्हाइट कलर का ऑप्शन मिलता था, लेकिन 4V में अभी तक व्हाइट कलर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन फाइनली 2023 में ये भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है TVS की तरफ से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी बाइक के बारे में आपको बताने वाले हैं कि 2023 मॉडल लेटेस्ट मॉडल के इसके 4V मॉडल में पर्ल व्हाइट कलर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या नए अपडेट देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इसकी जो प्राइस है ना, इसके बाकी मॉडल से आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। तो हम आपको इसके एक्सोन प्राइस के साथ इसकी ऑन रोड प्राइस बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी पर्ल व्हाइट कलर का वेट कर रहे थे, तो फाइनली अब आप लोग का वेट करना खत्म हुआ। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजी और आप देख रहे हैं विंग टेक्नो। दोस्तों, अगर वीडियो चलेगा हमारी मेहनत चलेगा, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पर आप नए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हम सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बाइक के लुक के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल फ्रेश नया कलर देखने को मिलता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। तो अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो फ्यूल टैंक मिलता है ना, व्हाइट एंड रेड कलर मिलती है। जो स्पेशल एडिशन आती थी उसमें आपको ब्लैक एंड रेड कलर का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब इसके पर्ल व्हाइट कलर में आपको व्हाइट और रेड कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाती है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें केवल कलर में ही चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो स्टिकरिंग मिलती है वही सेम आपको क्यूब वाला रेसिंग ग्राफिक्स मिलती है। इसमें आपको कोई ग्राफिक्स में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग बनाना कि आप लोग को व्हाइट कलर की जो लुक है ना, ये आप लोगों को कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से प्राइस के बारे में। तो इस समय इसकी जो एक्सोन प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 1,31,490 रुपए एक्सोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और अगर हम बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो लगभग आप मान के चले 1,55,000 से 1,60,000 के बीच में आपको 164V का पर्ल व्हाइट कलर देखने को मिल जाएगा 2023 मॉडल। तो दोस्तों, ये तो होगा इसके लेटेस्ट प्राइस की बात। और आपको बता दें कि यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो इसका जो एक नया अपडेट देखने को मिलता है, जो कि इसके एग्जॉस्ट में देखने को मिलती है। तो पहले इसमें आपको ट्विन बैरल एग्जॉस्ट मिलती थी, जिसमें आपको दो एग्जॉस्ट बैरल देखने को मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो अब इसका जो एग्जॉस्ट है ना, वो पहले से चेंज हो चुका है। तो चलिए पहले हम आपको स्टार्टिंग करते हैं इसके एग्जॉस्ट के साउंड से। अब आपको सुनाते हैं इसके एग्जॉस्ट का साउंड। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसके एग्जॉस्ट का साउंड सुन लिया है। तो आप लोग बताना कि इसका जो नया एग्जॉस्ट का साउंड देखने को मिल रहा है, वो आप लोगों को कैसा लगता है देखने में। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो साइड इंडिकेटर मिलता है ना, वही सेम आपको पहले की तरह आपको LED इंडिकेटर नहीं मिलता है, वही सेम आपको 10W का बल्ब इंडिकेटर देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप लोग गौर करें तो साइड में आप देखते हैं स्मार्ट एक्स कनेक्शन फीचर्स देखने को मिल जाता है, यानी कि इसमें आपको स्मार्ट कनेक्शन फीचर्स मिलते हैं, जिससे आप लोग अपने फोन को मीटर कंसोल से कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका जो हेडलैम्प मिलेगा ना, वही सेम आपको LED हेडलैम्प मिलती है। यहाँ पे देखिए बीच में आपको DRL मिलता है, जिसमें आपको हॉर्स का लोगो मिल जाता है TVS वाला। इसके LED हेडलैम्प में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट मिडगार्ड मिलता है ना, वो भी आपको व्हाइट कलर मिलती है, जिसपे आप देखिए TVS रेसिंग की बैचिंग मिल जाती है। तो दोस्तों, इसके फ्रंट प्रोफाइल में इसके हेडलैम्प में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में इसका जो फ्रंट बॉडी मिलते हैं, ये काफी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। तो आप लोग को इसका फ्रंट प्रोफाइल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा, वही सेम आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन मिलता है, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देखने को दे दिए। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको सुपर मोटो ABS की बैचिंग मिलती है। तो आप लोग बता दें कि इसमें आपको सिंगल चैनल ABS पहले भी मिलता था, अभी भी आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको जो डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिलता है ना, वो आपको मिलेगा सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिलता है, जो कि आपको मिलेगा 270mm का डिस्क ब्रेक के बीच में देखिए ABS लगाया गया है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट टायर के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा ना, वो आपको मिलता है 90/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलेगा अलावल के साथ। और यहाँ पे आप लोग को एक बात बता दे, इसका जो फ्रंट अलावल मिलता है ना, वो आपको ब्लैक कलर में मिलती है। गौर करिएगा, इसमें आपको एक नया अपडेट जो और मिलता है कि इसका जो फ्रंट अलावल है ना, आपको ब्लैक कलर मिलती है। लेकिन अगर हम वहीं पीछे साइड में चलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग गौर करें तो इसका जो रियर अलावल मिलता है ना, आपको रेड कलर मिलती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके रियर ब्रेक के बारे में, तो रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिलता है, जिसकी साइज है 200mm का। और यहाँ पे देखिए रियर में आपको ABS का चैन नहीं मिलता है, क्योंकि अभी भी सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। और इसका जो रियर टायर मिलेगा
वॉक मिलता है, 130/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है अलाइवल के साथ। तो दोस्तों फ्रंट में आपको ब्लैक कलर अलाइवल मिलेगा, रियर में आपको रेड कलर के अलाइवल देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन के बारे में तो वही सेम आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलती है जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देखने को दे देती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके हैंडल बार के बारे में तो सबसे पहले लेफ्ट हैंडल बार की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको लो इंडिकेटर स्विच मिल जाता है, पासिंग स्विच मिल जाती है, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको इन्फो स्विच मिलती है क्योंकि इसमें आपको कहते हैं स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए राइट हैंडल बार पे देखेंगे तो इसमें आपको इंजन कूलिंग स्विच मिल जाता है, मूड स्विच देखने मिल जाते हैं क्योंकि इसमें आपको अभी भी 3 राइडिंग मूड ऑप्शन देखने मिलता है। और यहाँ पे देखिए हेडलाइट कंट्रोलर स्विच देखने मिल जाती है, सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि इसके स्पेशल एडिशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग गौर करें तो इसमें आपको 3-स्टेप मैनुअली एडजस्ट करने वाला लीवर मिलता है जिसे आप लोग अपने फिंगर साइज के हिसाब से 3-स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको बता दें पहले जो इसमें क्लच और ब्रेक लीवर मिलता था ना, यहाँ पे आपको इतना ज्यादा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती थी, लेकिन अब इसके नए मॉडल में आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है जो कि आपके राइडिंग कंफर्ट को और ज्यादा स्मूथ बनाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो इसके मीटर कंसोल में आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलने वाली है, वही सेम आपको पहले वाला मीटर कंसोल देखने को मिलती है जो कि आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल के साथ आती है, जिसमें अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, ओडोमीटर मिल जाता है, टेकोमीटर देखने को मिल जाती है, साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए टाइम देखने को मिल जाता है, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाता है। आपको बता दें कि अब नए मॉडल में आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाता है जो कि आपको पुराने मॉडल में देखने को नहीं मिलती थी। और यहाँ पे देखिए ट्रिप ए ट्रिप भी देखने को मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम मिल जाती है जिसके बाद आप लोग फोन कनेक्ट करके अपने स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम की मदद से इसमें आपको टाइम इसमें आपको कॉल अलर्ट सिस्टम मिल जाएगा, एसएमएस अलर्ट सिस्टम मिल जाता है और साथ ही साथ लो फोन बैटरी लेवल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको एबीएस इंडिकेटर, इंजन मॉल फंक्शन लाइट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसका जो मीटर कंसोल है ना वही सेम आपको पहले वाला मिलता है, इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं इसके मूड के बारे में तो यहाँ पे आप लोग गौर करें तो यहाँ पे आपको मूड स्विच करने को मिलता है जिसमें आपको क्या कहते हैं 3 राइडिंग मूड मिलते हैं जिसमें आपको अर्बन स्पोर्ट और रेन मूड देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मीटर कंसोल को लेकर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए RTR 160 की बैचिंग देखने मिल जाती है जो कि हर RTR सीरीज की बाइकों में देखने मिलती है। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो इसमें आपको व्हाइट एंड रेड कलर में इसका फुल टैंक मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में आपको क्यूब वाली ग्राफिक्स मिलती है, रेसिंग ग्राफिक्स जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर में आपको हॉर्स का 3D एम्बल लोगो देखने को मिल रही है। और इसका जो फुल टैंक कैपेसिटी मिलेगी वही सेम आपको देखने को मिलता है जो कि आपको मिलेगा 12 लीटर की। तो दोस्तों फुल टैंक कैपेसिटी को लेकर आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी, वही शार्पनेस वाला डिजाइन मिलता है जो कि आपको पहले देखने को मिलती थी। और अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से इंजन के बारे में तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो इसका जो इंजन मिलेगा ना वही सेम आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल BS6 इंजन देखने को मिलती है। और इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वॉक मिलता है 17.31 BHP का 9250 RPM, इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वॉक मिलता है 14.73 Nm का 7250 RPM पे। तो दोस्तों इसका जो इंजन है ना आपको बता दें कि इसमें आपको 3 राइडिंग मूड मिलते हैं जिसकी मदद से आप लोग अलग अलग मूड में आपको अलग अलग पावर देखने को मिलते हैं। और इसमें आपको जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम मिलता है वही सेम आपको RTFI सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि आपको ट्यून फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो इंजन गार्ड मिलेगा ना वो भी आपको व्हाइट कलर मिलता है जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। इसमें भी आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम मिल जाता है जो कि 2022 में लगभग सभी बाइकों में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप लोग ऊपर साइड में देखेंगे तो व्हाइट कलर में आपको अपाची की बैचिंग देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम थोड़ा सा पीछे बढ़ते हैं पिलियन में तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको पिलियन फुटेज मिल जाता है, लेडी फुटेज देखने को मिल जाती है, तो आपकी जो घर की लेडीज है वो भी इस बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती है। और अगर हम बात करते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको जो सीट मिलता है ना वो आपको डुअल टोन में सीट मिलती है ब्लैक एंड रेड कलर में जो कि स्पेशल एडिशन की एक पहचान है। तो दोस्तों इसमें आपको जो राइडिंग कंफर्ट मिलेगा ना इसका जो सीट की कुशनिंग है ना पहले से थोड़ा सा इंप्रूव हुई है, तो अब इसमें आपको जो राइडिंग कंफर्ट मिलता है ना काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए साइड में देखते हैं RTR 164V की बैचिंग मिल जाती है जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए वही सेम आपको बैटमैन डिजाइन में आपको पिलियन गैरबिन मिलती है जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसका जो रियर से लुक निकल के आता है ना कुछ ऐसा निकल के आता है, इसके टेल लाइट में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते, तो इसके रियर से लुक में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम दूसरे साइड बढ़ते हैं तो इसके बारे में आपको मैंने रियर टायर रियर सस्पेंशन के बारे में स्टार्टिंग में बता दिया और इसके एग्जॉस्ट का जो साउंड है ना वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में सुना दिया है। तो दोस्तों आप लोग को इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि इसमें आपको नया एग्जॉस्ट मिलता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में तो इसका जो ओवरऑल लेंथ मिलेगा वॉक मिलता है 2035 mm का, इसका जो हाइट मिलेगी वॉक मिलती है 1050 mm का, इसका जो व्हीलबेस मिलेगा वॉक मिलता है 1357 mm का, इसका जो ग्राउंड क्लीयरेंस मिलेगा वॉक मिलता है 180 mm का, इसकी जो सीट हाइट मिलेगी वॉक मिलती है
800 mm का इसका जो कार्बेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 146 kg की ये बाइक देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के डायमेंशंस के फीचर्स स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, और साथ ही साथ इसकी जो लेटेस्ट प्राइस देखने को मिलती है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके माइलेज में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको पहले वाला आपको काफी बेहतरीन माइलेज देखने को मिल रही है जो कि लगभग आपको 40 से 45 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से प्रोवाइड करती है। अगर आप लोग राइडिंग कंफर्ट को और ज्यादा बेहतरीन बनाते हैं तो इसमें आपको 45 प्लस का भी माइलेज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे टीवीएस अपाची आरटीआर 164V के पर्ल व्हाइट कलर के वीडियो जिसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। तो आप लोग को ये जो कलर है ये नया अपडेट जो है ना आप लोग को कैसी लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये कलर अच्छी लगी, ये बाइक अच्छी लगी तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई डाउट है, कोई सवाल करना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोग कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है, हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी शो होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के हेलमेट यूज करते रहेगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।